जो पिछड़ों को बोल रहे हैं कि पिछड़े सनातन विरोधी है, ओबीसी लोग सनातन विरोधी है क्या? अब ये ओबीसी के लोग चुनाव में बताएंगे चिराग पासवान। वो भी अयोध्या जा रहे हैं, अयोध्या कोई गाली देने में सारा समय उन लोगों ने व्यर्थ करा। हेलीकॉप्टर से उड़ना मतलब तेजस्वी को गाली देना, बाहर मीडिया के साथ गांव प्रचार भी समाप्त हो गया। चुनाव है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पस्त कर दे, बीजेपी सफा सेट हो गई। आप बस बोल रहे हैं सनातन विरोधी है आप लोग, भाषा नहीं बोल रहे तो वो क्या बोल रहे थोड़ा सा भी तो पूरा है। आरएसएस वाला हो गया, भाजपा के रंग में है, इसी तरह के बात बोल रहे। मेरे धर्म पर वो सवाल उठा रहे और मेरे धर्म को ही मुझको विरोधी बता, मेरा नाम क्या है? मेरे पिछड़ों को बोल रहे हैं कि पिछड़े सनातन विरोधी है, ओबीसी लोग सनातन विरोधी है क्या? अब ये ओबीसी के लोग चुनाव में बताएंगे चिराग पासवान। वो भी अयोध्या जा रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं। हाँ बस टिकिए रखना बाकी रहा। तेजस्वी जी सत्ता पक्ष के नेता कह रहे हैं कि आप पब्लिसिटी के लिए व्हील चेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हीं के अस्पताल में जांच करवाए, उन्हीं के डॉक्टर ने रिपोर्ट दी। सारे लोग चले जाएंगे। इस हालात में भी सर आपने 251 सभाएं की है, कैसा एक्सपीरियंस था पूरा? नौकरी को लेके आपने चर्चा की, युवाओं को लेके चर्चा की। चुनाव दिन प्रतिदिन बढ़ा है, एनडीए सोचा था कि 7 चरण में चुनाव करेंगे तो फायदा उनको होगा, लेकिन फायदा हमने उठा लिया और पूरी तरीके से जनता गोलबंद हो गई। उनके झूठ के एजेंडे को वो समझ चुके हैं और जो सही में जो मुद्दा है उस पर बात कर, चिराग पासवान हो या और कोई हो भाजपा का लोग, कोई नौकरी के बारे में बात किया है क्या? कोई बोला है क्या बिहार का विजन क्या है उनके लिए? हम लोगों ने बताया लोगों को मेरा नौकरी का एजेंडा क्या है, महंगाई पर हम क्या करेंगे, गरीबी कैसे हटाएंगे, लोगों को आर्थिक न्याय कैसे दिलाएंगे। वो लोग क्या बोलते रहे, हम इन लोगों को गाली देते रहे सनातन विरोधी है तो फलना है तो चिलना है, मतलब तेजस्वी को गाली देने में सारा समय उन लोगों ने व्यर्थ करा। हेलीकॉप्टर से उड़ना मतलब तेजस्वी को गाली देना बाहर मीडिया के सामने, और जहां सभा करते वहां भी गाली तेजस्वी को देना और उसके बाद काम करना। बिहार की जनता गाली थोड़ी सुनना चाहती है, ध्यान में जा रहे हैं। ये चिराग पासवान के समर्थकों को भी बीजेपी के समर्थकों को भी अच्छा नहीं लग रहा होगा जो इस तरह की सनातन विरोधी की बात। ध्यान में जा रहे हैं, ममता जी ने सलाह दी कि ध्यान में जाइए लेकिन प्रेस को मत ले जाइए। हाँ आप तो शुरू से बोल रहे हैं, अरे यार मोदी जी का स्क्रिप्टेड होता है, फोटो शूट होता है, उनको मूवी करना होता है, मूवी अपना रील बना ले। अरे नौजवानों को मोदी जी से एक चीज सीखना चाहिए कि रील कैसे बनाए। चलिए इंडिया गठबंधन कितना पार? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आशियाना।